जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए, यहाँ पर MPG के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देखिए, हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है। सभी जो है, जो जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन लाए हैं MPG के बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँची। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या है। मध्य प्रदेश में सैन्य शहीदों के परिवार का जो है सम्मान करने के लिए प्रत्येक माह शहीद सम्मान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है, यह आपके लिए बताना है। चार विकल्प भी दिए गए हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसका जो सही आंसर है वह है 14 अगस्त। 14 अगस्त आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अपना, यहाँ पर देखिए क्या है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान को पाताल के लिए मार्ग माना जाता है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह और इसका सही आंसर है पातालकोट। आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर बी, राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए MP जेल प्रहरी में, जेल प्रहरी 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वर्ष मध्य प्रदेश ने विश्व हैंड वॉशिंग दिवस पर एक साथ हाथ धोने वाले सर्वाधिक लोगों का रिकॉर्ड बनाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस वर्ष मध्य प्रदेश ने विश्व हैंड वॉशिंग दिवस पर एक साथ हाथ धोने वाले सर्वाधिक लोगों का रिकॉर्ड बनाया था, तो यह बनाया था कब बनाया था, क्वेश्चन नंबर 3 है और आपका राइट आंसर है वर्ष 2014 में यह मध्य प्रदेश ने यह रिकॉर्ड बनाया था। दोस्तों, अगर आप भी MPPSC, MP जेल प्रहरी, MPSI, MP पुलिस, MP व्यापम से संबंधित जो भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है और आप जो है यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, प्ले स्टोर से भी आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए हम यहाँ पर बताते हैं कि क्या फायदे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करना है, फिर इसके बाद आपके लिए इसको लॉगिन करना है। आपके लिए ईमेल आईडी और फोन नंबर से आप यहां पर लॉगिन कर सकते हैं, फिर आप यहां पर चयन कर सकते हैं कि किस विषय की आप यहां पर तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद आपके लिए यहां पर देखिए क्या है, फ्री लाइव क्लास है, फ्री डेमो क्लास है। जी हां, यहां पर आपके लिए फ्री लाइव और फ्री डेमो क्लास आपके लिए उपलब्ध है और आपका जो भी यहां पर डाउट होगा उसका यहां पर डाउट क्लियर किया जाएगा आपका। और यहां पर देखिए फ्री लाइव टेस्ट, यहाँ पर आपके लिए फ्री लाइव टेस्ट भी है और यहाँ पर आपके लिए नोट्स भी बहुत सारे उपलब्ध हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर। और आप फ्री लाइव टेस्ट भी है यहाँ पर, जिसके माध्यम से आप जो है ऑनलाइन टेस्ट भी यहाँ पर दे सकते हैं फ्री में, वो भी यहाँ पर। सबसे यहाँ पर देखिए आपको क्या है कि आपको जो भी यहाँ पर डाउट होगा तो आप यहाँ पर कमेंट करके टॉप एजुकेटर के माध्यम से, सर के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पर डाउट है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर आपके लिए जरूर दिया जाएगा। यहाँ पर आप लाइव चैट में भी, लाइव के माध्यम से भी, जब लाइव क्लास हो रही है तो उसके माध्यम से भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं सर लोग से क्वेश्चन कि इसमें हमें डाउट है, और टॉप एजुकेटर के माध्यम से आपके लिए यहाँ पर जवाब दिया जाएगा। और यहाँ पर आपके लिए दिख रहा होगा यहाँ पर PDF, वो भी फ्री PDF यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्री PDF यहाँ पर आपके लिए डाउनलोड का ऑप्शन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद जब से आपके लिए यहाँ पर फिर आगे चल के आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका जो भी आप टेस्ट यहाँ पर करते हैं तो उसका आपके लिए यहाँ पर जो है स्कोर कार्ड बताया जाता है कि आपके यहाँ पर इतने नंबर आए हैं आपके टेस्ट में और इतने नंबर हैं, और आपकी परफॉर्मेंस बताई जाती है कि, और यहाँ पर आपके लिए टॉप एजुकेटर के माध्यम से पेपर का एनालिसिस आपके लिए बताया जाता है। और यहाँ पर देखिए
आपको बहुत सारी टेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज है यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि MPPSC, MPSI, MP जेल प्रहरी, MP पुलिस बहुत सारी टेस्ट सीरीज है। जो भी व्यापम से संबंधित आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो भी फ्री है आपके लिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, देखिए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में फड़के स्टूडियो स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपका 2017 में पूछा गया है जेल प्रहरी में, मध्य प्रदेश के किस जिले में फड़के स्टूडियो स्थित है। फड़के स्टूडियो रीवा में, उज्जैन में, धार में या सतना में। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका क्या है, धार। धार आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी। मध्य प्रदेश के किस जिले में फड़के स्टूडियो स्थित है, तो यह स्थित है कहाँ पर, धार में। अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस दिनांक को विकास दिवस आयोजित किया गया था। तो विकास दिवस के रूप में कब इसको आयोजित किया गया था, क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 12 अप्रैल 2013 को, 6 अप्रैल 2013 को, 1 अप्रैल 2013 को, 15 अप्रैल 2013 को। तो यह क्वेश्चन भी पूछा गया है आपका कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस दिनांक को विकास दिवस आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर विकल्प नंबर बी क्या है, 6 अप्रैल 2013 आपका यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची आवासीय इमारत कौन सी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ए मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची आवासीय इमारत बताना है कौन सी है। 4 विकल्प भी दिए गए हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची आवासीय जो इमारत है वह कौन सी है, तो वह है आपका विकल्प नंबर यहां पर डी राइट आंसर है, पिनेकल ड्रीम्स। पिनेकल ड्रीम्स आपका यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है कि मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, MPPSC 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं। तो मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला, भारत का पहला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या केरल। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आपका सही आंसर है। ए मध्य प्रदेश से भारत का ऐसा प्रथम राज्य जिसने जो सामाजिक आर्थिक विकास की समीक्षा करने के उद्देश्य से वर्ष 1995 सर्वप्रथम मानव विकास प्रतिवेदन जारी किया था। अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर क्या है, देखिए कि मध्य प्रदेश में संचालित स्वच्छता संग्राम अभियान का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है इसका उद्देश्य, संपूर्ण होशंगाबाद जिले को खुले शौच से मुक्त करना, या संपूर्ण इंदौर जिले को कचरा तथा सीवेज से मुक्त करना, या संपूर्ण इंदौर जिले को खुले शौच से मुक्त करना, या संपूर्ण होशंगाबाद जिले को खुले कचरे तथा सीवेज से मुक्त करना है। तो मध्य प्रदेश में संचालित स्वच्छता संग्राम अभियान का उद्देश्य क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर राइट आंसर विकल्प नंबर सी, संपूर्ण इंदौर जिले को खुले शौच से मुक्त करना है आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राज्य वेतन आयोग का गठन कब किया गया। राज्य वेतन आयोग है इसका गठन सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में कब किया गया, वर्ष 2007 में, वर्ष 2008 में, वर्ष 2009 में या वर्ष 2010 में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर बी यानी कि वर्ष 2008 आपका यहाँ पर सही आंसर है, वर्ष 2008। अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए कि मध्य प्रदेश में मसाला पार्क कहाँ स्थित किया जा रहा है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं कितने सारे एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा गया है। मध्य प्रदेश में मसाला पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, विदिशा में, भोपाल में, छिंदवाड़ा में, रायसेन में। 4 विकल्प दिए गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सारी एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर जो सही आंसर है वह है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस विषयों के साथ भोपाल मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। तो क्या है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस विषयों के साथ भोपाल मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। हिंदी की संभावनाएं,
हिंदी जगत विस्तार और भावनाएं, हिंदी का विस्तार या हिंदी जगत विस्तार एवं शुभकामनाएं, चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है क्या है, विकल्प नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर होगा, हिंदी जगत विस्तार एवं संभावना है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश के किस जिले में शौर्य स्मारक निर्मित किया गया है, तो यह आपका देख सकते हैं 2018 में 17 में यह क्वेश्चन पूछा गया, जेल प्रहरी में। मध्य प्रदेश के किस जिले में शौर्य स्मारक निर्मित किया गया है, तो भोपाल, देवास, ग्वालियर या इंदौर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर विकल्प नंबर एक यानी कि भोपाल, भोपाल आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर एक। अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, मध्य प्रदेश के किस प्राचीन शहर को दसपुर को किस नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश के किस प्राचीन शहर को दसपुर को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए झाबुआ, विदिशा, भोपाल या मंदसौर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है अपना 14 और 14 का राइट आंसर बताना है, तो मंदसौर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, जो मंदसौर जिले को दसपुर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित अमरकंटक का पौराणिक नाम क्या है, आप देख सकते हैं पुलिस कांस्टेबल में यह क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। तो मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित अमरकंटक का पौराणिक नाम बताना है, क्वेश्चन नंबर 15 है और पर 15 का राइट आंसर बताना है, तो क्या है इसका राइट आंसर, तो विकल्प नंबर एक जिन्होंने ही बताया है उनका राइट आंसर, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है पर वीडियो को लाइक कर लें। और क्वेश्चन नंबर 16 है अपने यहाँ पर कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसके साथ खुशी सूचकांक को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे, तो इसका सही आंसर क्या है, चार विकल्प भी दिए गए हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका, और इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का वह विकल्प नंबर सी, आईआईटी खड़गपुर आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में एफिल टावर की एक संगमरमर प्रतिकृति जो है कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है आपके लिए बताना है, इंदौर के आकाशवाणी परिसर या आदिनाथ मंदिर, भोपाल के सेल फोन टावर या ग्वालियर के संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है विकल्प नंबर एक यानी कि इंदौर की आकाशवाणी परिसर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर क्या है, देखिए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय स्वास्थ्य के लिए समर्पित इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च की क्षेत्रीय शाखा RMRC स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है यह आपके लिए बताना है, मंडला में, जबलपुर में, डिंडोरी में, झाबुआ में, चार विकल्प दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, जबलपुर, जबलपुर आपका यहां पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य वृक्ष के रूप में बरगद के पेड़ को कब घोषित किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप यहां पर इसको देख भी सकते हैं कि कितनी सारी परीक्षा में यह पूछा गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताइए मध्य प्रदेश सरकार ने राज वृक्ष के रूप में बरगद के पेड़ को कब घोषित किया है, और 2016-17 में भी जेल प्रहरी में पूछा गया, और इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज वृक्ष के रूप में बरगद के पेड़ को कब घोषित किया, तो बताइए 1981 में या 1980 में, 1982 में, 1975 में, चार विकल्प हैं, राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, 1981 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है देश का पहला और दुनिया का चौथा डेटा सेंटर पार्क कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देश का पहला और दुनिया का चौथा सेंटर पार्क कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, भोपाल, रीवा, इंदौर या जबलपुर, चार विकल्प दिए गए हैं, आपका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20 है और 20 का राइट आंसर है इंदौर, इंदौर आपका यहां पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्या है, मध्य प्रदेश के किस जिले में प्लास्टिक पार्क निर्माणाधीन है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 21 है, चार विकल्प दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर गुना, भोपाल या अमलाहा, सीहोर या तामूट रायसेन, तो चार विकल्प हैं आपके सामने और क्या होगा इसका राइट आंसर यह बताना है,
तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर, तो आपका राइट आंसर विकल्प नंबर डी यानी कि जो आपका रायसेन है तामूट रायसेन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में पुरुषों के लिए पारंपरिक पोशाक कौन सी है। हाँ तो बताइए मध्य प्रदेश में पुरुषों के लिए पारंपरिक पोशाक कौन सी है, पोशाक बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा इसका, तो इसका राइट आंसर है धोती, धोती यानी कि विकल्प नंबर आपका एक यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के निम्न शहरों में से कौन से शहर को मीट लवर्स पैराडाइज कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए भाई कौन सा शहर है, इंदौर है, देवास है, भोपाल है, जबलपुर है। मध्य प्रदेश के निम्न शहरों में से कौन से शहर को मीट लवर्स पैराडाइज कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी भोपाल, भोपाल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में ITC के द्वारा स्थापित ग्रामीण मत्स्य चयन का क्या नाम है, भारत सागर या चौपाल सागर, मध्य सागर, विंध्य सागर, तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा, पटवारी में 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का विकल्प नंबर बी चौपाल सागर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2018 में सैन्य अभ्यास बिन बैक्स 2018 मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया गया था, कौन से जिले में आयोजित किया गया था, भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में या इंदौर में, तो चार विकल्प दिए गए हैं, तो बताइए 2018 में सैन्य अभ्यास बिन बैक्स 2018 मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया गया था, क्वेश्चन नंबर है आपका 25 और 25 का राइट आंसर विकल्प नंबर डी में है आपका जबलपुर, जी हाँ जबलपुर आपका राइट आंसर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, तो आज ही आप जो ऐप है अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लें और यहाँ पर देखिए फ्री क्लास और प्लस क्लास, इसमें हम अंतर बता देते हैं आपके लिए कि फ्री क्लास है जो और प्लस क्लास यानी कि जो पेड क्लास है इसमें क्या अंतर है, तो यहाँ पर देखिए लिमिटेड सिलेबस इसमें कवर किया जाता है फ्री क्लास में और आपके लिए लिमिटेड यहाँ पर टेस्ट हैं, लिमिटेड आपके लिए PDF नोट्स हैं और लिमिटेड यहाँ पर डाउट सॉल्यूशन है, किसमें फ्री क्लास में, लेकिन आपके लिए जो प्लस क्लास है इसमें आपके लिए क्या है, यहाँ पर देखिए पेड क्लास में आपके लिए कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है, बिल्कुल कंप्लीट आपके लिए, और अनलिमिटेड यहाँ पर आपके लिए टेस्ट हैं और अनलिमिटेड PDF नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं आपके लिए और ऑल डाउट्स सॉल्व किए जाते हैं वो भी टॉप एजुकेटर के माध्यम से, तो यह अंतर आपका है फ्री क्लास में और प्लस क्लास में। आज ही आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें और आप यहां पर जो है प्लस सब्सक्रिप्शन आप खरीदते हैं तो आपके लिए यहां पर बहुत सारे फायदे हैं, तो हम बता दें देखिए यहां पर आप जैसे ही प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो यहां पर एक जो वर्चस्व नामक समसामयिकी आपके लिए फ्री मिलती है, इससे आप अपना करंट अफेयर कवर कर सकते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे यहां पर जो है कोर्स चल रहे हैं, अभी बैच कोर्स चल रहे हैं, यहां पर देख सकते हैं MPSI, MP पुलिस कांस्टेबल, MPPSC, MPPSC मेंस जो है बहुत सारे यहां पर आप देख सकते हैं कोर्स चल रहे हैं, बैच कोर्स है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पर आपकी एडमिशन फीस रहती है, एक महीने की आपकी यहाँ पर जो फीस है वह 1600 रुपए है, अगर आप समिज्ञान कोड यूज करते हैं तो यही फीस आपके लिए एक महीने की 1440 रुपए लगती है, 3 महीने का है यहाँ पर 4000 रुपए और 6 महीने का है 7200 रुपए और 12 महीने का है 8800 रुपए और आपका 24 महीने का है यहाँ पर 12800 रुपए, अगर आप समिज्ञान कोड यूज करेंगे तो यही आपके लिए 10% ऑफ में मिलेगा, तो सभी जो भी कोर्स आप खरीदेंगे चाहे 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, तो आपके यहाँ पर 10% ऑफ में यह कोर्स मिलेगा अगर आप समिज्ञान कोड यूज करते हैं। और इसी प्रकार की और वीडियो आपके आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। इसी प्रकार के वीडियो लाएंगे जो जो MP की परीक्षाओं से संबंधित पूछे गए हैं, MPG के क्वेश्चन, तो वीडियो को सभी लोग लाइक अवश्य कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही, कमेंट के माध्यम से बताएं कि यह वीडियो आपके लिए कैसा लगा। सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।